ममता बनर्जी को बताया ताड़का। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर नकेल, सरकार ने मरीजों के लिए तय किए रेट, शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए देने होंगे। अपनी लापरवाही से कोरोना की चपेट में आ रही है एमपी पुलिस, नाराज सीएसपी ने प्रदेश के सभी अफसरों को लिखा पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कमलनाथ ने कोरोना और उसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो कोरोना की जांच हो रही है और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ लोग अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगे हैं, कहीं ऑक्सीजन कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। इसके बाद भी लगातार मौतें हो रही हैं। कमलनाथ ने ये तक कहा कि प्रदेश में सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ये प्रदेश सरकार भरोसे की नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश की सुख की चिंता करने कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने माला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही है, उसके बाद चार दिन बाद रिपोर्ट, जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। नीचे कर लो। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%, इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था। ये तो हालात है। और 3 महीने से पूरा मीडिया देश का छाप रहा था कि ये दूसरा वेव आने वाला है। आज इंदौर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इंदौर हॉस्पिटल बंद पड़ा है। इंदौर में भोपाल गैस का हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। क्या कितनी वैक्सीन लग रही है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दे कितनों की वैक्सीन लगी, ये सबको पब्लिक करें। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की घोषणा कर दो। ये वैक्सीन की घोषणा 18 साल की इसीलिए की गई क्योंकि चुनाव चल रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े सरकार द्वारा छिपाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से सरकार लगातार भेदभाव कर रही है।
आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती, मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं, इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, और शर्म की बात है कोई तैयारी नहीं थी। कोरोना महामारी की दूसरी सबसे घातक लहर इंदौर में है। वहीं इसकी परवाह न करते हुए कांग्रेस सबसे ज्यादा जागरूक विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया को संबोधित किया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर की सरकार की तरफ से प्रभारी तुलसी सिलावट के पुत्र चिंटू सिलावट परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए। हमने यही बताया कि हम लगातार 15 दिन से 20 दिन से इंदौर लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, मंत्री से भी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, परंतु इंदौर में जो उनका सपनों का शहर था मुख्यमंत्री का, वो इंदौर में अभी तक एक बार भी इंदौर में नहीं आए। परंतु कमलनाथ जी इंदौर में आके इंदौर की जनता से मिले, हम लोगों से बात करी, उन्होंने पूरा हालचाल पूछा कि भाई यहाँ इंजेक्शन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अस्पताल कितने चालू हुए। हमने उनको सब बताया कि इंदौर में एक सेवा को अस्पताल था, उन्होंने उनको महत्वपूर्ण चालू किया, MBI का अस्पताल है जहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, डेंटल कॉलेज उसको चालू नहीं किया, मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया, परंतु ये सिम आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। ये जो इंदौर के हमारे प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार से हमारे रिपोर्टर राहुल बैरागी ने की खास बातचीत। सर, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर, 50 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने की है यहाँ पर, और अभी तक कुल 17 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी और लोगों के आने की जानकारी है। देखा गया है कई माहौल डर का भी दिख रहा है रियावन रानीगांव इन क्षेत्रों में, क्या इनको कोई समझाइश दी गई है? बिल्कुल सर,
पीएमओ सर के द्वारा टीम का किया गया है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग बाहर आए, सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी उनको दिक्कत होती है तो वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवा सकते हैं। बीते दिनों जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम कामर में ज्ञान सिंह पाल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसे दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञान सिंह पाल के हत्याकांड के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर आरोपी देवीलाल को डांग करेरा के से गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने सोमवार की सुबह 11 बजे पत्नी के अवैध संबंध शक में अपने 22 वर्षीय भांजे ज्ञान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कच्चा भी। ये आपको विदित है कि परसों के दिन जो है थाना जिगना में ग्राम कामर है उसमें एक एसपाल के द्वारा ज्ञान सिंह पाल की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसमें जो स्पष्ट नजर आया था कि इसमें आपसी रंजिश थी, बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है कि रंजिश के साथ साथ इसमें कुछ अवैध संबंध की भी बात थी। कल पुलिस के द्वारा लगातार टीम बनाकर उसको दबिश दी गई थी तो आरोपी को एसपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दतिया शहर में बुधवार पहले दिन सिविल लाइन स्थित नंबर 1 स्कूल में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन 18 साल से 44 साल के लोगों को कराया जा रहा है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने शहर के युवाओं को वैक्सीन लगवाने का संदेश भी दिया। वैक्सीन लगवाने के दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे बीमारी से बचा जा सके। मैम, अभी तक कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया आज? आज अभी इस टाइम तक 93 लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। कितने लोगों का आज का टारगेट है? आज हमारा 100 लोगों का टारगेट था, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था आज की डेट के लिए। 100 लोगों का स्लॉट आज की तारीख का बुक था। अभी कितने बजे तक चलेगा अपना ये वैक्सीनेशन ड्राइव? हमारी 5 बजे तक चलती है। ने कराया, कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीनेशन करा के? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य मध्य प्रदेश के दतिया में भी सिविल लाइन रोड स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रारंभ हो चुका है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में जितने अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए थे उनमें 100 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें 97% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। राधावल्लभ मिश्रा, के न्यूज, दतिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। डिंडोरी में 17 मई तक लगाए गए टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रत्नाकर जाग और पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने नगर की सड़कों पर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सड़कों पर भी वजह घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। कलेक्टर रत्नाकर झा ने भारत माता चौराहा का स्टेट बैंक क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहाँ मौजूद पुलिस और राजस्व अमले को लॉकडाउन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने अवंतीबाई चौराहे का निरीक्षण किया और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की। शासकीय कर्मचारी है जिन्हें अनुमति है, पर ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल है, इसके लिए हमने कहा है कि SDM से आप लोग अपना परिचय पत्र ले लें या विभाग का परिचय पत्र लगाएं और बाकी जो किसी भी प्रकार के बहाने बनाकर निकल रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 100 दर्जी का मुकदमा दायर किया जा रहा है, साथ ही चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां कोरोना जैसी महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में नगर में दिन रात सन्नाटा पसर रहता है। इसी के चलते चंदेरी नगर की सड़क कॉलोनी स्थित एक साथ दो मकानों पर रात्री में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों द्वारा मेन गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों मकान में से एक ने नकदी समेत 4 लाख की चोरी होना बताया है तो दूसरे मकान वाले ने 1 से 1.25 लाख की चोरी होना बताया है। चोरी की घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तुरंत मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड की सहायता से घर के आसपास ढूंढने की कोशिश की, परंतु अज्ञात चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने अज्ञात चोरों के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रात में चोरी हुई, मकान ताले टूट गए, कुछ सामान भी चला गया। और कितना सामान? लगभग लगभग 4-8 लाख समथिंग है। क्या क्या सामान है उसमें? कुछ जेवरात थे, कुछ नगद भी।
कलेक्टर शीलन सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने नगर का निरीक्षण कर राजस्व विभाग नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों और लॉकडाउन का जायजा लिया। कलेक्टर शीलन सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने नगर में पहुंचकर नगर के प्रमुख चौराहों तहसील चौराहा कोठी चौराहा मेन बाजार से गुजरकर नगर का निरीक्षण किया। नौगांव तहसील कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से नगरीय क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और पेयजल की स्थिति के बारे में जानकारी ली और नागरिकों से सोशल डिस्टेंस का सही तरीके से पालन करने के बारे में निर्देशित किया। बैठक लेने के लिए मैं और एसपी साहब आए हुए थे क्योंकि कोरोना के केसेस यहाँ लगातार आ रहे हैं डेली, इसको चेन को कैसे रोका जाए उसके संबंध में अधिकारियों से चर्चा की गई। हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो यही है, पहली रणनीति है कि घर घर लोगों का सर्वे करके उनको पहले दवाएँ दी जाएंगी, कोरोना अभियान जो हम लोगों ने प्रशासन ने चलाया है और जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं उसको सैंपल के दिनांक ही उनको दवा दे दी जाए जिससे कि उसका सैंपल का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा उसके पहले उसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि वो आगे गंभीर स्थिति ना हो। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा दतिया के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि यह ऑक्सीजन प्लांट 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। भूमि पूजन के बाद डॉक्टर मिश्रा ने कोविड वार्ड में पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमण मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी जिला अस्पताल स्थित कोविड 19 वार्ड पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कोविड मरीजों के साथ मिलकर कन्वेंट चालीसा का पाठ किया। इसी के साथ विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड मरीजों का हक लाभदायी करते हुए उन्हें गुलाब के फूल भी वितरित किए। मरीजों को उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है तो उनका उत्साहवर्धन करते हैं हम लोग और आज जैसे लंग्स के एक्सरसाइज के लिए उनको हमने घूमना बुलाने के लिए दी तो ये सारी चीज़ें हंसना आपस में उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग हंसें खुश रहें और अपने लंग्स का एक्सरसाइज करें। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना से मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख मौतें हुई हैं। पटवारी ने कहा कि जो मीडियाकर्मी स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढकर ला देगा उसे हम 11,000 इनाम देंगे। पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल ऐसा बता दें जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, कांग्रेस पार्टी उन्हें 11 लाख रुपये का इनाम देगी। पटवारी ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई है लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शिवराज सिंह जी कुछ करो, आपका प्रशासन इस तरह का व्यवहार आम जनता को लूटने और मरने पर मजबूर कर रहा है, इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और सुधार की अपेक्षा भी करती है। पुलिस विभाग के आरक्षक अशोक ठाकुर का कोरोना से निधन हो गया है। ठाकुर कोविड ड्यूटी पर तैनाती के दौरान संक्रमित हुए थे। अशोक ठाकुर जिले के सबसे बेहतरीन पुलिसकर्मियों में गिने जाते थे। पुलिस प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ ठाकुर को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद पंधाना द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पंधाना नगर के गली मोहल्लों चौराहों के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई कर्मी योद्धा साबित हो रहे हैं। सीएमओ मनसाराम बड़ोली द्वारा नगर के प्रत्येक स्थानों एवं शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजेशन छिड़काव सतत किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक जिले के बुधनी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर के लोगों से घरों में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस विभाग के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। जिले की हालात बहुत नाजुक है इसलिए हमें मिलकर नियमों का पालन करते हुए कोरोना से जंग जीतना है। पुलिस परिवार के आज की तारीख में 49 लोग संक्रमित है और उनके इलाज के लिए लगातार एडिशनल एसपी साहब नोडल इंचार्ज अधिकारी हैं, वो सुबह शाम उनसे संपर्क करते हैं। मैं स्वयं भी अपने संक्रमित साथियों से रेंडमली वीडियो कॉल के द्वारा बात करता हूं ताकि वो कुछ छिपा ना पाए। अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। चंदेरी में स्वास्थ्य अमला की भारी कमी को देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चंदेरी में सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं जो पूरे तहसील के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चंदेरी में ऑक्सीजन संसाधनों की भी कमी देखी जा रही है। वर्तमान में चंदेरी में 30 छोटे और 9 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वहाँ 7 फ्लोर मीटर उपलब्ध हैं। वहीं 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जिसमें से अभी सिर्फ 3 छोटे और 2 बड़े सिलेंडर में ऑक्सीजन बची हुई है। जानकारी के मुताबिक चंदेरी अस्पताल में भर्ती 9 मरीजों को बिना कोविड टेस्ट किए ऑक्सीजन दी जा रही है।
रतलाम जिले के आलोट में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए लोगों से लॉकडाउन का पालन करा रहा है। वहीं जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि जो लोग बिना वजह घूमते मिल रहे हैं उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी जेल भेजा जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने शासकीय महाविद्यालय के पास अस्थायी जेल बनाई है। कारगिल चौराहे पर चेकिंग की गई और थाने के सामने तो अनावश्यक लोगों से रोक कर पूछताछ की गई, जिनका कोई उचित कारण नहीं था बाहर निकलने का, उन लोगों के विरुद्ध 151 के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें खुली जेल जो कि शासकीय कॉलेज को बनाया गया था उसमें करीब 40 से 45 लोगों को आज हमने कार्रवाई की है। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई युवाओं की मौत लगातार हो रही है। सोमवार के दिन 37 वर्षीय युवक सहित 5 संक्रमित ने दम तोड़ा है। 181 नए संक्रमित मिले तो वहीं 319 लोगों ने कोरोना को हराया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में छतरपुर जिले के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस लहर में कई युवाओं की जाने गई है। सोमवार के दिन 37 वर्षीय युवक अमित सोनी सहित 5 संक्रमितों ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ा। अशोकनगर जिले के चंदेरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जो लोग बिना वजह घूमते मिले उन पर चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस प्रशासन को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि नगर में कई जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है और कुछ दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने दिल्ली दरवाजे से शहर के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला। और जो अधिक से अधिक संख्या में लोग समझें, घरों पर रहें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी, बाजार बंद रखें, अनावश्यक न घूमें। छतरपुर जिले की बिजावा तहसील क्षेत्र में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिजावा विधायक राजेश शुक्ला ने नगर व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अनुभाग के सभी अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। बैठक में मौजूद लोगों से विधायक ने सभी से ऑक्सीजन मशीनों की व्यवस्था करने की अपील की। वहीं SDM राहुल सलाडिया ने बताया कि महामारी की गंभीरता को समझते हुए 24 घंटे आपातकालीन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों से मांग की है कि कुछ मदद हमने अपनी ओर से की है कि पलंग दिए है, ऑक्सीजन दिए है, तो व्यापारियों ने भी कहा है क्योंकि हमने उनसे निवेदन किया तो उनने आश्वासन दिया है कि कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की जितने भी 4-5 और ज़रूरत है वो व्यापारी गल्ला व्यापारी द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव गुलशन मामरा सीधी के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में जल्द ही 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसी के साथ प्रमुख सचिव बामरा ने कोविड सेंटर में हो रही अनियमितताओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए उन्हें जल्द दुरुस्त करने की बात कही। वहीं प्रमुख सचिव बामरा द्वारा अस्पताल को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस जहां सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं इंदौर पुलिस बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। आज इंदौर के MIG थाना क्षेत्र अंतर्गत राजी चौराहे पर थाना प्रभारी विनोद दीक्षित की अगुवाई में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई की गई। करीब 21 लोगों को आज अस्थायी जेल भेजा गया, तो वहीं अब तक LIG थाना क्षेत्र के करीब 200 लोगों को अस्थायी जेल भेजा जा चुका है। साथ ही जरूरी काम से निकले लोगों को उनकी आइडेंटिटी देखकर जाने दिया गया। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग अस्थायी जेल भेज रहे हैं ताकि आवागमन पर अवरुद्ध प्रतिबंध लगाया जा सके। और अभी कुछ 10-12 लोग थे जो जा रहे थे, उनको बस में बिठाला था, अस्थायी जेल हमने बनाई है और उनको अभी हमने भेज रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां CT स्कैन कक्ष एवं COVID-19 वार्ड में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड के बाहर पंखे लगवाना अति आवश्यक है, इसके अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि CT स्कैन कक्ष में कर्मचारी तैनात होना चाहिए एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लोड ज़्यादा होने के कारण जिला अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। हमको चूँकि मेडिकल कॉलेज का लोड बढ़ रहा है तो हमको जिला चिकित्सालय में दो चीज़ें करनी है। एक तो हमारा CT स्कैन जो मशीन लग चुकी 3 साल हो चुकी है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह से या कल दोपहर से हम उसकी उसको चालू करके और लोगों को सेवा देना शुरू करें। और हमारा जो इनका चार्ज होगा वो 1000 के आसपास रहेगा।